यही मुकाबला देखने को मिलेगा, गजब का मुकाबला देखने को मिलेगा। यूपी योद्धा की टीम बेहतरीन टीम है, कमाल का प्रदर्शन करती है सभी जगह अगर बात की जाए तो। प्रदीप नरवाल, हरिंदर, आशु, सुमित, नीतीश, बेहतरीन बड़े बड़े स्टार, अनिल, इस मुकाबले में आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। एक तरफ है यूपी योद्धा तो दूसरी तरफ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और नियम जो है ये है कि जो टीम जल्दी आएगी सबसे पहले आएगी वो टॉस जीतेगी। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो दूसरी तरफ यूपी योद्धा। दोस्तों एक तरफ अनुभव और प्रो स्टार की टीम तो दूसरी तरफ युवा टीम। नीचे से हाथ मार दे मुकाबला स्टार्ट होता हुआ दोस्तों, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ युवा टीम तो दूसरी तरफ अनुभव से नवरेश टीम, यूपी योद्धा की टीम जिसमें आशु और हरिंदर की जोड़ी, कमाल की कवर की जोड़ी है ये। और कॉर्नर में बात करें तो सुमित और नीतीश, अनिल ये बेहतरीन खिलाड़ी, लंबे कद का खिलाड़ी यूपी की तरफ से, यूपी का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत ही प्रदर्शन करते हैं। आपसे अनुरोध है कि पाए जो मेरे जमीन से बाहर हो गए जितने भी छोटे खिलाड़ी खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ कामयाबी मिलती हुई अनिल को। कोर्ट नंबर एक पे अगर एक टीम ने मौत दिया तो 40 टीम को कोर्ट दे दिया जाए। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। खाता खुलता हुआ यूपी का, दोनों टीमें कोर्ट नंबर दो पर रिकॉर्ड करें। क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वापसी करने में माहिर टीम है ये, बड़े बड़े मैचों में वापसी करके दिखाई इस टीम ने। चेतन पहली बार रेड में, बेहतरीन खिलाड़ी यूपी योद्धा का प्रतिनिधित्व करता हुआ। बोनस का प्रयास, कैमरे का बोनस और बोनस मिलता हुआ। 2-0 स्कोर, सात का डिफेंस फुल स्क्वाड सामने से आए नीतीश और एक पॉइंट मिलता। खाता खुलता हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी, स्कोर 2-1। क्या बेहतरीन डिफेंस देखने को मिलेगा, बिल्कुल कमाल का डिफेंस, काम करता हुआ डिफेंस कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र की टीम लगातार मैंने बोला था वापसी करने में माहिर है और वापसी करती हुई यहां पर 2-0 से पिछड़ने के बाद स्कोर 2-2 बराबर। कोर्ट नंबर 2 खाली है, इसमें एनजीके एकेडमी सोनीपत विजी घोषित हुई है। कृपया करके सही है वर्षी जैसे से लगेगा कि टीम में जल्दी से जल्दी कोर्ट नंबर 2 पर। चेतन फिर एक्शन में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम बेहतरीन टीम है, वापसी करने में माहिर है मैंने बताया था और वापसी करके दिखाई है बेहतरीन। क्या मुकाबले को परिणाम करेगी अनुभव से लवरेज टीम यूपी योद्धा के सामने बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ये धन्यवाद इस भारतवर्ष ज्ञान बानूर सैन श्री नीर गुलिया जी जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दिया। आपका मैं पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत। और है पीरियड देखने को मिलेगी, प्रदीप नरवाल को अभी तक रेड में नहीं देखा गया है अक्सर, जबकि प्रदीप लगातार रेड करते हैं लेकिन यहाँ युवा खिलाड़ियों को डू एंड आई रेड थर्ड राउंड स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से डू एंड आई सामने से आए, बेहतरीन ब्लॉक, कमाल का ब्लॉक, आंसू का बेहतरीन ब्लॉक देखने को मिला था। आंसू की बात करें, हरिंदर की बात करें, युवा सितारों से सजी हुई टीम कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रदर्शन कर रही है।
कब्जा करके यहाँ से रास्ता छोड़ने और क्या ये मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिलेगी? बिल्कुल मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिली है, दो पॉइंट की रेड। तो स्कोर की अगर बात करें तो 5-2 स्कोर। चेतन हल्के चोटलू है, क्या बेहतरीन है, टोकी लगाना चाहते थे लेकिन सामने से आए सुमित्र प्रदीप, कमाल किए डिफेंस एक बार फिर। सुपर टैकल ऑन तीर का डिफेंस, तीन खिलाड़ी या तीन से कम खिलाड़ी कोर्ट में हो तो सुपर टैकल की सिचुएशन होती है और टैकल करने वाली टीम को दो पॉइंट मिलते हैं। अनिल यूपी की टीम लगातार फैलती प्रदर्शन कर रही है और पिछड़ती हुई टीम कुरुक्षेत्र की। प्रदीप नरवाल जैसा स्टार खिलाड़ी पहली बार रेड में, प्रदीप नरवाल डू अ डाई रेड पर इंतजार करती हुई कुरुक्षेत्र की टीम, लेकिन उससे पहले अगर ये खाली रेड होती है तो डू अ डाई रेड होगी। तीन का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन प्रदीप नरवाल, एक समय सामने से आए डबल एंगल होल्ड, प्रयास अभी भी जारी है, क्या जर्सी पुलिंग, बिल्कुल जान लगा रहे थे प्रदीप और एक नंबर खिलाड़ी ने जर्सी पुल की। डबल एंकल होल्ड किया था एक खिलाड़ी ने, लेकिन ये बेहतरीन डिफेंस, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ जो पूरा होता हुआ कुरुक्षेत्र की टीम पर, ऑल आउट होती है कुरुक्षेत्र की टीम। स्वागत करें और उनके साथ में ही इस क्लब के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य संरक्षक के रूप में बड़े भाई श्री सुनील भैया जी फायर ब्रिगेड, दोनों ही हमारे दानवीर हाथरीन ब्लॉक भाइयों का और हमारे आंसू और हरिंदर की जोड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रही है, हर वर्ष बहुत बड़ा योगदान, सारी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती है। श्री सुनील भैया जी का इस समय हम दोनों ही भाइयों का यहाँ चेतन स्वागत अभिनंदन और जर्सी नंबर 7 के साथ, क्या पलटी लगेगी या डिफेंस काम करेगा, प्रयास अभी भी जारी है, संघर्ष जारी, लेकिन संघर्ष में बाजी मारता हुआ डिफेंस कुरुक्षेत्र का। चेतन को आउट किया है, बाहर बैठे हैं चेतन और डिफेंस काम कर रहा है लेकिन रेडर को पॉइंट नहीं मिल रहा है। अनिल कमाल का प्रदर्शन करते हैं और कामयाब होते हुए यहां एक बार फिर अपने प्रदर्शन में चार चांद लगाते हुए। कुरुक्षेत्र की तरफ से एक बार फिर अगर बात करें डिफेंस की तो डिफेंस काम कर रहा है कुरुक्षेत्र का, लेकिन रेडर को पॉइंट नहीं मिल रहा है सुमित के सामने से बोनस करने का प्रयास, एक पॉइंट और। स्वागत केदार जी जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से इस कार्यक्रम के सफल और सुचारू संचालन के लिए 11,000 रुपए का सहयोग किया है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। चेतन लक्की ठेकेदार जी का भी स्वागत करें और उनके सपुत्र श्री अजय भैया जी सामने से आए, क्या बेहतरीन डिफेंस देखने को मिला, एंकल पकड़ा हुआ था लगातार पकड़ मजबूत करते हुए और कामयाबी मिलती हुई। डिफेंस जरूर काम कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन रेड में पॉइंट नहीं मिला है, डिफेंस दोनों तरफ से काम करता हुआ, लेकिन यहां बेहतरीन तारीफ करनी होगी जिस तरह से आंसू को किक लगाई है। मध्यांतर का समय करीब इस मुकाबले में, रनिंग हैंडल्स और कामयाबी फिर हाथ लगती हुई अनिल के, उनसे बराबर मंच के
हरिंदर सिंगल थाई होल्ड करना चाहते थे जिसके लिए अक्सर जाने जाते हैं हरिंदर। अब थोड़ा बहुत काम करने लगा है कुरुक्षेत्र का और राइडिंग डिपार्टमेंट आशु और हरिंदर को बाहर बैठाया है। ये श्री विकास तिवारा जी, विकास तिवारा जी हमारे बीच का समय करीब है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच के सामने आए। चेतन एक्शन संस्कृति के मान और सम्मान का प्रतीक मध्यांतर हो गया। मध्यांतर के समय अगर स्कोर की बात करें तो मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो 13-6 स्कोर है और 7 पॉइंट की लीड इस समय यूपी के पास। बेहतरीन डिफेंस काम करता हुआ कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का डिफेंस बेहतरीन काम कर रहा है और डिफेंस काम कर रहा है यूपी होता का। दूसरा जो कोर्ट नंबर 1 4 का डिफेंस बात का समय है सामने से आए नतीस बेहतरीन प्रदर्शन डिफेंस का। दोनों टीमों की तरफ से अगर बात की जाए तो सामने से आए डबल थाई होल्ड किया और बेहतरीन पकड़ देखने को मिली। धन्यवाद चेतन करके समय का ध्यान रखे सभी खिलाड़ी। रात देर को भी फिर आपको ही खेलना पड़ेगा, छोटा मैच भी आपको खेलने को मिलेगा। ये 14-7 स्कोर में अभी अभी पधारे हैं हमारे बड़े भाई श्री और एमबीरन देखने को मिली। प्रदीप नरवाल टोकी किक के नाम से मशहूर और अगर टोटल ऑल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रेड पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम प्रो कबड्डी में। बेहतरीन खिलाड़ी है, जबरदस्त गेम दिखाता है। एमपी रेड के साथ लौटते हुए और डू और डाई का इंतजार करती हुई कुरुक्षेत्र की टीम, क्योंकि डिफेंस काम कर रहा है बेहतरीन। चलना होगा रेडर को भी अगर वापसी करनी है तो कुरुक्षेत्र को। साई एक टीम हो चुकी है, नरेला की टीम शायद नहीं है। नरेला की बेहतरीन डिफेंस काम करते हुए कमाल का डिफेंस काम कर रहा है। डिफेंस ने काफी प्रभावित किया है इस मुकाबले में दोनों तरफ से अगर बात की जाए तो। और कुरुक्षेत्र की टीम क्या मल्टी पॉइंट रेड है, बिल्कुल मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिली है। वापसी करती हुई कमाल की टीम कुरुक्षेत्र की, मैंने बताया था कुरुक्षेत्र की टीम वापसी करने में माहिर है और प्रो कबड्डी की टीम के सामने इस तरह की का प्रदर्शन करना काबिले तारीफ प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन इस टीम का। प्रदीप नरवाल क्या वापसी कराएंगे टीम को, दो खिलाड़ी बचे हुए हैं आंसू और प्रदीप। टोकी किंग के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी अगर यहाँ पॉइंट नहीं मिलता डिफेंस कहर भर पा रहा है इस टीम का और कमाल की वापसी करती हुई टीम खतरा मंडराता हुआ टीम पर। जो भी दर्शक इन बैरिकेडों के अंदर बैठे हुए कृपया करके इस मैच के बाद आंसू सिंगल खिलाड़ी कोशिश जारी है, भिड़ना चाहते हैं क्या शालो टैकल देखने को मिलेगा इस मैच के बाद। सभी दर्शक कृपया करके कोशिश जरूर की है लेकिन असफलता हाथ लगी है और सफलता हाथ लगती हुई और आउट मिलता हुआ। ऑल आउट दिया है कुरुक्षेत्र की टीम ने, मुकाबले में वापसी कराई है। क्या कमाल का प्रदर्शन, कहर भर पाता हुआ डिफेंस काम करता हुआ। क्या सफर समाप्त होगा यूपी योद्धा का यहां से, बेहतरीन प्रदर्शन लाजवाब कमाल का गेम कुरुक्षेत्र की टीम की अगर बात करें तो। मैं सभी दर्शकों को यह बार बार विश्वास दिलाता हूं आप सभी को इतने अच्छे अच्छे मैच यहां देखने को मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के प्रदर्शन। प्रदीप नरवाल क्या अपनी टीम को बेहतरीन डिफेंस कमाल का प्रदर्शन करती हुई कुरुक्षेत्र की टीम किसी को पेंट
गाँव के लोकल बैठे नौजवानों यही भी हमारे खड़े रहते हैं बैठे हैं। ये खिलाड़ी का खड़े होता है पास का डिफेंस, ये खिलाड़ी नीचे होता है सर, ये खिलाड़ी का खिलाड़ी से नीचे होता है, ये खिलाड़ी सभी से अनुरोध है कि कृपा करना है एक पॉइंट की हर रेड डू ऑर रेड पांच का डिफेंस जिसकी दांत का जिम्मेवारी है लास्ट पासवर्ड का समय से निश्चित है तो उसी अपने हिसाब से किसी को अगर बाई मैन हम प्ले करके बुलाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो सभी को पूरा पता है सपान कहा इसकी क्या जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को सामने शायद समय और कमाल का ब्लॉक किया है क्या स्कोर बराबर हुआ है सबसे पहले अपनी कुर्सी आप लोगों को मिली डिफेंस बेहतरीन काम कर रहा है बोनस का प्रयास बिल्कुल क्या मिलेगा बोनस जिस तरह के कॉन्फिडेंस लग रहे हैं बोनस मिलना चाहिए और बोनस मिलता हुआ डिफेंस की अगर बात करें तो बेहतरीन काम किया है कुरुक्षेत्र की टीम ने इस तरह की टीम के सामने प्रदर्शन बेहतरीन अनिल आय निकल सामने से सेकंड से डबल एंकल होल्ड किया और बेहतरीन प्रदर्शन कमाल का डिफेंस काम करता हुआ अनिल ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं बोनस में पॉइंट कमाते हैं और डिफेंस में काम करते हैं लास्ट चार मिनट का समय शेष अंतिम चार मिनट कौन पहुंचेगा अगले दौर में कौन प्रवेश करेगा पांच का डिफेंस बेहतरीन पकड़ देखने को मिली है एक और चेतन को बाहर किया है कुरुक्षेत्र की तरफ से अनुरोध करूंगा हमारे छह का डिफेंस बोनस अंतिम तीन मिनट के आसपास का समय शेष एक और अनिल क्या स्कोर बराबर हुआ है ये मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिलेगी क्या और टाइम आउट लिया है कुरुक्षेत्र की टीम ने 18-17 स्कोर लास्ट तीन मिनट का समय शेष 18 स्कोर है कुरुक्षेत्र का और 17 स्कोर बोनस का प्रयास किया है क्या स्कोर बराबर होगा जिस तरह से कॉन्फिडेंस लग रहे हैं बोनस मिलना चाहिए बेहतरीन दो पॉइंट की लीड 19-17 स्कोर सुपर टैकल ऑन तीन खिलाड़ी कोर्ट में आकर यहां से टैकल मिलता है तो स्कोर बराबर हो जाएगा वो अपलाइन क्रॉस की अगली रेड डू डाई रेड आनी है कुरुक्षेत्र की तरफ से टैकल लगाने का प्रयास स्कोर 17-19 सीनियर वाले हैं जितने भी खिलाड़ी हैं कबड्डी परिवार से लास्ट दो मिनट का समय से इस मुकाबले में आगे रेड टू अटाई रेड कबड्डी क्लब सिसाना के जितने भी सदस्यगण हैं कबड्डी परिवार के जितने भी हमारे कबड्डी खिलाड़ी हैं सर्व वर्तमान खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व खिलाड़ी सभी स्कोर बराबर होगा अगर टैकल मिलता है तो और अगर टैकल नहीं मिला तो टीम इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी यूपी की क्योंकि अंतिम शर्त चल रहा है बेहतरीन डांस देखने को मिला है कमाल का हरिंदर का ये टैकल देखने को मिला स्कोर बराबर 19-19 स्कोर बराबर कड़ा मुकाबला बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतरीन टफ मुकाबला स्कोर 19-19 बराबर बिल्कुल अंतिम फरकते हुए इस मुकाबले के चेतन एक और बेहतरीन कामयाबी जबरदस्त टैकल देखने को मिला है अंत में एक मिनट का समय शेष सुपर टैकल हो स्कोर फिर बराबर अंतिम क्षण चलते हुए स्कोर बराबर
एक रेड या एक और रेड देखने को मिलेगी। स्कोर 20-20 बराबर, बेहतरीन मुकाबला, टफ मुकाबला दोनों टीमों के लिए। सामने से आए, ब्लॉक कर दिया सुमित, सुमित का कमाल का। मुकाबला खत्म होता हुआ दोस्तों, समय होता हुआ समाप्त। कौन मारी बाजी, एक एक पॉइंट की जीत के साथ बाजी मारते हुए यूपी तकड़ी। लेकिन इस टीम की तारीफ करनी होगी जिस तरह का प्रदर्शन इस टीम ने किया है। एक पॉइंट के साथ बाजी मारी है यूपी उत्तर प्रदेश, क्या बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला दोस्तों। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।